आज हम करने वाले हैं पेडिक्योर। बिल्कुल ही सिंपल वाला है और ये आपको पेन से रिलीफ दिलाएगा। इफ़ देर इज़ एनी थकावट है आपके पैरों में, कोई दर्द है, किसी तरीके की सूजन है, कुछ भी है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसमें मैंने यूज़ किया है एप्सम साल्ट है, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा हनी भी डाला है। तो बहुत ही 15 मिनट के अंदर आप मॉर्निंग रूटीन में अपने इसको कर सकते हो एंड लेग्स जो है काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। और स्किन वाइटनिंग के लिए भी मैंने इसमें कुछ यूज़ किया है। तो जस्ट चलो हम शुरू करते हैं। करने वाली हूँ बहुत ही क्विक सा पेडिक्योर। एक्चुअली पैरों में काफ़ी सूजन है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये आपके लेग को ना बिल्कुल पेन फ्री करेगी, ठीक है, रिलैक्स करेगी बिल्कुल। एंड इसके लिए जो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, फ्यूमिक स्टोन चाहिए, फुट फाइलर चाहिए, एक मैं आफ्टर पेडिक्योर के बाद जो मैं फूट क्रीम लगाऊंगी वो चाहिए, एक ब्रश चाहिए क्लीनिंग के लिए, और एक मैंने DIY स्क्रब बनाया है जिसमें मैंने लिया है चावल का आटा जो अच्छा स्किन वाइटनिंग इफेक्ट लाता है। प्लस मैंने इसमें चुटकी भर देखो हल्दी दी है एंड इसको मैं मिलाने वाली हूँ हनी के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई हैव एडेड फ्यू रोज़ पेटल्स ताकि रोज़ के भी इफेक्ट आ जाए। नाउ अच्छे से मिक्स करो। इसमें मैंने हनी दिया है, इप्सम साल्ट दिया है एंड आई हैव एडेड सम शैम्पू, क्विक वाला पेडिक्योर। नाउ देखो अच्छे से पैरों को इसमें डिप करो। ये जो इप्सम साल्ट है ना वो काफ़ी सूदन करेगा आपकी जो टैन को भी रिमूव करेगा और जो मसल्स आपके नाउ रिमूव योर नेल पेंट। देखो नेल पेंट अच्छे से रिमूव करके वंस अगेन इसको डिप करो एंड इसमें अब लगाने वाली हूँ मैं हेयर कंडीशनर थोड़ा सा सारे नेल्स पे, सो दैट मेरे नेल्स कंडीशन हो जाए। नाउ अच्छे से नाउ क्लीन योर फीट। हील्स पे मैं लगाने वाली हूँ एक क्रैक हील रिपेयर स्मूथ क्रीम। आप चाहो तो यही मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो, तो एब्सोल्युटली ऑन योर विश। एंड देन मैं इस पे लगाने वाली हूँ नेल पेंट।